तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की मजा जिस तरीके से बॉलीवुड में बढ़ता जा रहा है ना, उस तरीके से ऐसी वेब सीरीज भाई साहब हमें देखने को और ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गई है। भैया जी, आज ही रिलीज हुआ जूही चावला की वेब सीरीज हस हस का ट्रेलर, और क्राइम थ्रिलर से भरा हुआ ये ट्रेलर आपको इतना ज्यादा सस्पेंस का मजा देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिलीज होने वाला है अमेजॉन प्राइम पे 22 सितंबर को, 22 सितंबर को ये हमें सबको देखने को मिलने वाला है अमेजॉन प्राइम पे। उससे पहले बात करते हो कि आप इस वेब सीरीज के बारे में, तो वेब सीरीज आपको अच्छा खासा मजा देने वाली है और गरीबों के बीच की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली है, हर इंसान के पीछे की बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी को बताने वाली है, और उन लोगों के भी बारे में बताने वाली है जिन लोगों को ये लगता है कि भाई साहब ये दुनिया सिर्फ मर्द चला रहे हैं। इस वेब सीरीज में आपको दिखेगा कि भाई साहब इस वेब सीरीज में पूरी तरीके से वुमेन्स को पावर्स दी गई है, सारी चीजों को उन्हीं के लिए एक्सप्लेन करा गया है, और आपको ये जरूर समझाने की कोशिश करी गई है कि अगर आप ये सोचते हो कि पूरी दुनिया सिर्फ मेंस के द्वारा चल रही है तो आपको ये सोच अपनी बदलनी होगी। ये दुनिया चल रही है वुमेन्स के द्वारा भी, और उनके भी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके कुछ ऐसा होता है कि जिस तरीके से मेंस अपनी प्रॉब्लम को पूरी दुनिया को बता सकते हैं, चीख चीख कर चिल्ला सकते हैं, उसी जगह पे भाई साहब वुमेन्स की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो ना खुद को बता सकती है, ना समझा सकती है, ना किसी से शेयर कर सकती है, और बिहाइंड द सीन्स उनकी लाइफ कुछ ऐसी होती है जो इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलने वाली है। बॉलीवुड इंडस्ट्री या इंडिया की इंडस्ट्री में सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। इन द फ्यूचर हमें कुछ ऐसी भी वेब सीरीज देखने को मिलेंगी जो कि इनसे भी ज्यादा कहीं बेटर वर्क करके देंगी, जहां तक मुझे समझ में आता है भाई साहब। पर्सनली मेरे को उस टाइम पे अफसोस हो गया जिस टाइम पे मैंने जूही चावला को देखा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि उनसे भाई साहब नजर नहीं हटती थी, लेकिन क्या ही करोगे, वक्त का सितम कुछ ऐसा हर इंसान पर होता है कि भाई साहब उसकी जवानी भी ढलती है, चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, और वो देख के भाई साहब मेरा दिल टूट गया। और पर्सनली बताऊं तो जूही चावला की एक्टिंग भाई साहब बचपन से मैंने मूवीज में देखा हुआ है, और इस वेब सीरीज से वो कमबैक कर रही है बहुत सालों के बाद, और इस बात से भी समझो कि भाई साहब एक्टिंग में आपको एक माइनस पॉइंट का भी फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क समझना है तो इस बात से भी समझना होगा कि एक्टिंग इंसान के अंदर नेचुरली पैदा होती है, और वो बनाने की एक्टिंग करी जाएगी तो वो बिल्कुल भी एक्टिंग जैसी नहीं लगेगी। जूही चावला हमेशा से प्रोफेशनल और नेचुरल एक्टिंग पे भाई साहब मास्टर रही हैं, और इस वेब सीरीज में भी आपके इनके मजे भाई साहब बवाली लगेंगे रिएक्शन। अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस वेब सीरीज के बारे में, तो कुछ अलग करके दिखाने वाली है। वुमेन्स को पावर दी गई है, वुमेन्स के बारे में हमको बिहाइंड द सीन्स के बारे में उनकी पूरी लाइफ को शेयर करा जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि भाई साहब अमीरों और गरीबों के सिर्फ मर्दों के बीच की प्रॉब्लम्स को नहीं बताया जाता, उनकी औरतों के बीच में भी कितनी ज्यादा डिफरेंस होती है। अगर आप समझते हो कि एक अमीर घर की औरत की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो आप कहीं गलत समझते हो, क्योंकि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कुछ अलग ही लेवल्स की होती है, और गरीब घर की औरतों की प्रॉब्लम्स के बारे में तो भाई साहब हर मिडिल क्लास बनता जाऊँ। ये वेब सीरीज उन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन आपको स्टोरी की बिहाइंड द सीन्स के बारे में इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली है ना कि भाई साहब आपका माइंड ब्लो ना कर जाए तो मेरे को बता देना। और अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो अमेजॉन प्राइम के ऑफिशियल चैनल पे हस हस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जाके देखो भाई साहब। जूही चावला थोड़ा सा दिल टूट जाएगा ढलती उम्र के साथ उनकी जेहर की झुर्रियां, बट एक्टिंग के बारे में तो भाई साहब मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ माइनस पॉइंट का भी फर्क नहीं दिखेगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।